तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम डालेंगे 1.5 कप के करीबन पानी। फिर इसमें हम डाल देंगे 1/2 चम्मच के करीबन कुटी हुई लाल मिर्च। आप चाहे तो हरी मिर्च को पीस कर भी इसमें ऐड कर सकते हैं या लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। फिर डालेंगे 1/2 चम्मच के करीबन नमक। नमक भी आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ली है 4 ब्रेड की स्लाइस। मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड ली है, आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। अब ब्रेड को हम इस तरह से पानी के अंदर रख देंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 3-4 ब्रेड बच जाती है, फिर वो कोई नहीं खाता, रखी रहती है, तो आप बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बना सकते हैं उस ब्रेड से। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया बारीक कटी हुई। थोड़ी देर के लिए इसे हम पकने देते हैं, आप देखेंगे कि जो ब्रेड है वो सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी। अब इस तरह से इसे हम चला देंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से ब्रेड जो है सॉफ्ट हो चुकी है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और इस तरह से हम इसे स्पैचुला की हेल्प से ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस भी करते जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप के करीबन पोहा। तो मैंने यहाँ पर मीडियम वाला पोहा लिया है, ना ही ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा मोटा है, आप कोई भी पोहा ले सकते हैं। अब इस पोहे को हम डाल लेते हैं मिक्सर जार के अंदर। अब इसको हम पीस लेते हैं, उसका एक पाउडर रेडी करेंगे। तो ये पीस कर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं इसी तरह का फाइन पाउडर आपको रेडी करना है। यदि इसे हम कप से नापेंगे तो 1/2 कप के करीबन ये पाउडर निकला है। अब इस पोहे के पाउडर को भी हम ब्रेड के साथ में इस तरह से डाल देते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पूरे पोहे के पाउडर को हम ब्रेड के साथ में। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये डो की तरह रेडी होने लगेगा, क्योंकि जो पोहा है वो इसके अंदर के पानी को एब्जॉर्ब करने लगेगा। पोहे का नेचर ही होता है पानी को एब्जॉर्ब करना। यदि आप पास पोहा अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर पोहे की जगह चावल के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये गूथे हुए आटे की तरह ना दिखाई देने लगे। तो बिल्कुल गूथे हुए आटे की तरह दिखाई देने लगा है, आप देख सकते हैं। गैस को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। अब इसे हम एक थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इस नाश्ते का और टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच के करीबन चाट मसाला, जिससे बहुत ही बढ़िया सा चटपटा टेस्ट आएगा। आप चाहे तो नींबू का रस या आमचूर पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं चाट मसाले की जगह। फिर डाल देंगे हम 1 चम्मच के करीबन सौंफ। सौंफ का फ्लेवर है ना इस नाश्ते के टेस्ट को बहुत इन्हेंस करता है, तो सौंफ को आप ज़रूर डालिएगा। अब 2 चम्मच के करीबन इसमें हम डालेंगे बेसन। बेसन से है ना फ्लेवर बहुत बढ़कर आएगा इस नाश्ते का। तो जो हम घर में खाना नाश्ता खाने के लिए यूज़ करते हैं ना चम्मच वगैरह, उसका ही यूज़ करके आप 2 चम्मच बेसन का ही इस्तेमाल करिए। एकदम ज़्यादा बेसन बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो आपको बेसन बेसन का ही टेस्ट आएगा। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी वगैरह यहाँ पर नहीं डालना है, क्योंकि जो डो है वो ऑलरेडी गीला है और बेसन जो है बहुत ही जल्दी से गीला हो जाता है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम डो की तरह रेडी करेंगे। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से एक प्लेट ली है, इसे हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर प्लेट की जगह कोई भी टिन ले सकते हैं। अब जो हमने ये डो बनाया था इसे हम इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे दबा दबा कर सेट कर लिया है और बेलन से भी मैंने इसे हल्का हल्का सा बेल लिया है, जिससे ये बिल्कुल प्लेन हो गया है ऊपर से। अब इसे हम कट करेंगे। तो आप इसे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसके छोटे छोटे से बाइट्स की तरह रेडी कर रही हूँ। अब सारे पीसेस को हम अलग कर लेंगे। अब एक पैन में हम थोड़ा तेल डालेंगे और तेल को गर्म कर लेंगे। इस नाश्ते को मैं सेलो फ्राई करने वाली हूँ, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। अब इस गर्म तेल के अंदर हम एक एक नाश्ते को उठाकर इस तरह से डाल देते हैं। अब इन्हें एक साइड से हम सेलो फ्राई होने देंगे। तो एक साइड से अच्छी तरह से सेलो फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम पलट देते हैं। और इसी तरह से हम इन्हें पलटते हुए तब तक सेलो फ्राई करेंगे जब तक इनमें बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो आप देख सकते हैं इनमें हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। आप चाहें तो इन्हें थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन कलर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इतना ही इन्हें फ्राई होने के बाद तेल से निकाल रही हूँ। तो देखिए कितना टेस्टी और यम्मी ये ब्रेड और पोहे का नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले। हम फिर मिलेंगे टेस्टी सी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, यू आर वॉचिंग माई वीडियो।